भाई साहब बिग बिलियन डे आने वाला है, बहुत बड़ा सेल है, तो मैंने सोचा भाई एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप तो बनता है, तो ये हम लेके आए एचपी की तरफ से आने वाला है एचपी 15। यस, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, पहले इसके ऊपर की सील लगाते निकालते जो मैंने लगाई। तो बॉक्स के अंदर भाई ये मेन चीज है, यहाँ पे देख सकते हो ये यूजर मैनुअल वगैरह ये सारी चीजें मिलते हैं। भाई ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये आपको एक पावर ब्रिक मिलते हैं, 65 वाट की ये छोटी सी पावर ब्रिक होगी और कुछ नहीं आपको मिलता। एंड भाई ये है हमारा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट, ये है एचपी 15S। तो भाई लोग जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ भाई जो दिखता है वही बिकता है, तो डिजाइन के बारे में पहले बात करते हैं। सेम सिल्वर कलर में आता है, पूरा मैट फिनिश में ये आपको दिखाया जाएगा, ग्लॉसी नहीं है। तो एक दिक्कत यहाँ पे आती है कि भाई फिंगरप्रिंट ऊपर काफी आसानी से आ जाता है। ये एचपी का लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे पीछे देखोगे तो आपको रबर पैड्स मिलते हैं, इतने बड़े भी नहीं है बट ठीक ठाक आपको लिफ्ट यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ जो है ये पूरा ओपन यहाँ से यहाँ तक जो है आपको इनलेट वेंट आपको मिलता है, यहाँ से जो है कोल्ड एयर पूरे अंदर ली जाते हैं। एंड इसका एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है नीचे, तो क्या होता है जब आप स्क्रीन ओपन करते हो तो यहाँ से जो गर्म हवा है वो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा हीट हुआ तो स्क्रीन का जो निचला पैनल है वो थोड़ा सा हीट कर जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता बट फिर भी ऐसा डिजाइन बनाया गया है। दोस्तों पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप इस साइड में देखोगे तो एक पावर जैक का पोर्ट मिलता है, दो यूएसबी 2.0 के दो पोर्ट मिलते हैं। एंड इस साइड देखोगे तो एचडीएमआई का पोर्ट, टाइप सी का एक पोर्ट मिलता है जो कि सुपर फास्ट पोर्ट होगा, एसडी कार्ड का एक स्लॉट मिलता है। भाई मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड एक जो आपको मिलता है ये माइक्रोफोन जैक मिलता है, यहाँ पे आप माइक्रोफोन अटैच कर सकते हो या फिर आपके हेडफोन वगैरह वो अटैच करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे वो कर सकते। बिल्ड के बारे में बात करें तो भाई बिल्ड की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत लग सकती है क्योंकि ऊपर भाई बहुत ज्यादा फ्लेक्स मिलता है, पूरा प्लास्टिक के साथ बनाया गया है, पीछे भी आपको ये प्लास्टिक ही दिखाई देगा, यहाँ पे अगर प्रेस करोगे तो ये भी अंदर जाता है, तो थोड़ा सा डेलिकेट है भाई, ऊपर से अगर गिरा तो गया। इवन दोस्तों हिंजेस के बात करें तो हिंजेस भी इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे तो ही जो है स्क्रीन पैनल आप अच्छे से उठा पाओगे, बट यहाँ पे कोई क्रैकिंग साउंड नहीं आता, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। इवन एक चीज बोलता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से यूज करना पड़ेगा वरना ये शायद से। इवन दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करते वक्त एक चीज मुझे नोटिस हुई, यहाँ पे छोटा सा वॉबल आपको स्क्रीन में मिलता है, तो जब भी आप कोडिंग वगैरह करोगे तो ये दिक्कत आती है, तो ये आप सोचो कि आपको कितना एक्सटेंड तक ये चलता है, थोड़ा सा वॉबल, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वॉबल आपको यहाँ पे दिखने को मिले। एंड लैपटॉप का जो वेट है 1.69 केजी के आसपास है, मतलब आराम से है, मतलब आप कॉलेज के लिए यूज कर सकते हो, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो, पोर्टेबल है तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो फाइनली मुंह दिखाई का यहाँ पे वक्त आ चुका है, ये जो डिस्प्ले आपको दिखाया जा रहा है ये 15.6 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस डिस्प्ले है, 1080p का पूरा ये डिस्प्ले आता है, 240 निट्स का ब्राइटनेस आपको मिलता है यहाँ पे जो कि काफी कम है। इंडोर यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बाहर जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी, तो इस तरीके से पूरा आता है। एंड उसके साथ 45% एनटीएसी कलर गैमुट मिलता है, तो भाई कलर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, जब भी कोई मूवीज वगैरह देखोगे आपको थोड़ा सा फील होगा, मोबाइल के ऊपर डिफरेंट लगता है, इसके ऊपर डिफरेंट लगता है, मतलब थोड़ा सा एमोलेड एंड ये पैनल में थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेटली आपको आएगा, तो जो नॉर्मल कलर्स होते हैं सेम उस टाइप आपको दिखाई देगा, अल्ट्रा व्यूविंग एंगल के साथ आता है, यहाँ पे जो है आप 170 के आसपास भी जो है एंगल से स्क्रीन को देख सकते हो, आपको डिफरेंट जो है वहां पे नहीं दिखाई देगा, आप आसानी से किसी भी एंगल से स्क्रीन को यहाँ पे देख पाओगे। उसके साथ साथ जो कलर्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लैक्स वगैरह जो है वो इतने ज्यादा शार्प नहीं है, जो रेड वगैरह है वो भी इतने ज्यादा शार्प नहीं है, तो जब भी आप फोटोशॉप वगैरह यूज करोगे, प्रीमियर प्रो वगैरह यूज करोगे तो एक चीज ध्यान में रखो कि जो आउटपुट निकल के आएगा वो यहाँ पे काफी डिफरेंट लगेगा, एंड टीवी के ऊपर देखोगे या फिर किसी अदर डिवाइस के ऊपर देखोगे वहां पे डिफरेंट लगेगा, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको परचेस करो। बट और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इस प्राइस रेंज में यही सेम पैनल आपको सारे लैपटॉप्स में मिलेगा, तो 45% एनटीएसी सभी लैपटॉप में आपको मिलेगा, यही कलर्स आपको अदर लैपटॉप में भी मिलेंगे, तो अगर आपको बेटर कलर चाहिए तो थोड़ा सा आपको वहां पे पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा। बट इस डिस्प्ले की एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे बेजल्स काफी कम है, तो भाई जब भी मूवीज वगैरह देखते हैं थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, काफी मजा वगैरह आता है क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी लगती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे छोटा सा वेबकैम आपको मिलता है, 720p का वेबकैम है, बहुत ज्यादा आपको अच्छी क्वालिटी तो नहीं दे पाएगा बट ठीक ठाक आप वेबकैम का यूज कर सकते हो, मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड कर सकते हो, एंड आपको अच्छा खासा भी रिजल्ट ये दे पाए। दोस्तों कीबोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे एंड टू एंड कीबोर्ड मिलता है, काफी अच्छी तरीके से कीबोर्ड भी यूज कर पाओगे, प्रॉपर आपको यहाँ पे न्यूमेरिक कीज भी मिलते हैं, तो अगर अकाउंटिंग वगैरह कुछ करते हो तो ये काफी आसानी से यूज कर पाओगे। एंड मुझे एक चीज नोटिस हुई,
कुछ इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देता है, काफी अच्छा भी है। बट जब भी आप कीबोर्ड यूज करोगे आपको एक फील होगा, ये जो कीज है पूरे प्लास्टिक के साथ बनाए गए, तो वो मतलब टच करने के साथ साथ एक फील भी आता है कि भाई थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी का इश्यू आ सकता है। उसके साथ यहाँ पे ट्रैक पैड देखोगे तो छोटा सा ट्रैक पैड आपको मिलता है, चारों कॉर्नर काफी अच्छे से वर्क करते हैं, मल्टी गेस्चर पूरा आपको जो है ये ट्रैक पैड मिलता है, तो आराम से आप मल्टी गेस्चर यहाँ पे यूज कर पाओगे। एंड काफी ज्यादा स्मूथ सा बनाया गया है, यहाँ पे जो बटन है वो इनबिल्ट है, तो यहाँ पे आपको अलग से राइट एंड लेफ्ट के बटन नहीं मिलते, तो काफी अच्छी तरीके से इसको यूज कर पाओगे। दोस्तों अभी बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आता है आपको इंटेल i5 12 जनरेशन, बट ये जो है 1235U प्रोसेसर आता है। तो जिन लोगों को पता नहीं कि यू वगैरह क्या होता है, तो एच यू पी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर के नाम है, तो यहाँ पे एच जो होता है वो यूजुअली गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, पी जो होता है वो परफॉर्मेंस के लिए, एंड यू वाला जो है वो थिन एंड लाइट लैपटॉप जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, तो ये थोड़ा सा लोअर प्रोसेसिंग पावर के साथ आता है ऐसे आप बोल सकते हो। यू वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो है बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है, तो वो प्रोसेसर इसमें आपको आता है। उसके साथ साथ 512GB की SSD आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि NVMe M.2 की SSD होगी, 8GB की RAM मिलते हैं जो आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, डुअल चैनल आपको मिलता है, तो 8GB ऐसे आप अपग्रेड यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता, जो इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है वो इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो वहां पे अभी हम गेम खेल के देखते हैं कि ये कितने एक्सटेंट तक खुद को एलिवेट कर पाता है। मैंने सेटिंग थोड़ी सी हाई पे रखी है, थोड़ी सी हाई पे, तो अभी जो है यहाँ पे 41/37 के आसपास जो है मुझे FPS दिखा रहा है, तो नॉर्मल से गेम तो डेफिनेटली आप खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम ड्रॉप इतने तो नहीं मिल रहे, लेकिन आप हाई के ऊपर भी यहाँ पे गेम खेल पाओगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अभी 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, 75 के आसपास टोटल टेम्परेचर चला जाता है, उसके ऊपर नहीं चला जाता। एंड जो रैम कंजम्पशन है वो 9GB के आसपास यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्टैट्स है, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेम तो खेल पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है 7 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलता है, भाई इतना नहीं मिलता है, यूजुअली आपको 5-6 आवर्स का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल जाता है। आपकी यूसेज के ऊपर है आप कितना यूज करोगे, अगर कम यूज करोगे तो भाई 7 आवर्स के ऊपर भी जा सकता है, बट नॉर्मल ऑफिस के लिए अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको वो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। गेमिंग के वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ड्रेन कर जाता है गेमिंग के वक्त, तो मैं तो आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि भाई चार्जिंग को लगा के ही इस पे गेम खेलो, आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको फ्रेम रेट भी काफी अच्छे मिलेंगे। एंड इवन ये जो है ये 45 मिनट में आपको 50% चार्ज करके दे सकता है, मतलब आप समझ सकते हो घंटे में या फिर आधे डेढ़ घंटे के अंदर ये पूरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस जो है करंट 52,000 के आसपास है, बट ये बिग बिलियन डे में आपको 45,000 के आसपास मिल सकता है, तो इसको कार्ट में रखो, सच में काफी अच्छा लैपटॉप है। थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी आप बोल सकते हो ऊपर नीचे है, बट ऑल द वे बाकी ओवरऑल फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे है लैपटॉप के, सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, स्क्रीन भी काफी अच्छे है, मूवीज वगैरह देखना चाहते हो या फिर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बैटरी बैकअप काफी ज्यादा हाई है, तो उसकी वजह से ये आप कॉलेज के लिए या फिर आपके ऑफिस के लिए वगैरह काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, तो भाई मस्त है लैपटॉप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। सो फुल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसका आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।